डांस फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक। मेरे साथ आज के सफर में जुड़ रही हैं श्वेता आसुदानी जी, जो कि सोशल वर्कर हैं। श्वेता जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू अस्मिता जी फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। आपकी जो शुरुआत हुई, आपकी प्रोफेशन, अगर करियर की बात की, करियर से शुरू करते हैं, वो कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी? करियर की अगर आप मेरी शुरुआत बोलेंगे तो, अगर आपने पेजर्स के बारे में सुना हो, आई स्टार्टेड माई करियर विद द पेजिंग कंपनी, आरपीजी पेजिंग कंपनी इन 1995। जी। तो मैंने उससे अपने करियर की कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के नाते अपनी शुरुआत की थी और काफी अच्छा सफर रहा। शुरुआत ही लोगों की हेल्प करने वाले काम से हुई आपकी? जी। तो वहाँ पे जो मेरा जिंदगी का एम था, लोगों से कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना, मिलना, वहाँ पे मेरी लोगों से बहुत बात हुई। और मेरे पास जो कस्टमर्स थे हमारे, कुछ एफएम के लोग थे, कुछ आपकी फ्रेटर्निटी के लोग थे, तो ऐसे लोगों से मेरी, मतलब वहाँ पे रेगुलर बात होती थी। जैसे रेडियो वन उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, आरपीजी पेजिंग वाज द नंबर वन पेजिंग कंपनी एट दैट टाइम। रोशन अब्बास, परन ठाकुर, ऑल इन रेडियो वन, देवर आर क्लाइंट्स। तो काफ़ी लोगों से उस सीरीज़ में बात हुई। और मतलब एक जो एक टेलीफोन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया था पेजर के रूप में, और लोगों का क्या एक्साइटमेंट था, और एक नए रेवोल्यूशन को लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, वो उससे मैं जुड़ी और मैंने पाया कि किस तरीके से दैट वाज द फर्स्ट बूम इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री। उसके बाद फिर, उसके बाद उसने मुझे बहुत काफ़ी कुछ सिखाया उस कंपनी ने। देन आई वेंट टू इंडसइंड बैंक एज ए डेप्यूटी मैनेजर। आई ज्वाइंट इंडसइंड बैंक एज ए डेप्यूटी मैनेजर। सडनली मुझे बैंकिंग लाइन में एक अच्छा, और वो भी एक अपने आप में था, एट दैट टाइम जो आपके सारे नेशनलाइज बैंक थे उसके साथ साथ प्राइवेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वर कमिंग इन द मार्केट, तो आई ज्वाइंट दैट। तो वो भी एक अपने आप में रेवोल्यूशन था। लकीली जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करने को मिला जो कि नया पार्ट था। जो भी समाज में एक नई चीज हो रही है उसमें काम करने का मौका मिला, और वो बैंक वॉज द इंडसइंड बैंक, वो भी प्राइवेट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक था। तो काम करने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ पर डिप्टी मैनेजर की तरह काम किया ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स। मेरी एक अच्छी आदत ये रही कि जहाँ पर भी काम करो काफ़ी समय दो उसको, उस फ्रेटर्निटी को समझो, उस काम को समझो और आगे बढ़ो। छोड़ने की फिराक में और कहीं आगे बढ़ने की फिराक में नहीं थी, क्योंकि जो आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छा दे रही है, अच्छा कर रही है आपके लिए, आप उससे जुड़े रहो। तो मैंने वहाँ पर वैसे तो एक सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइन किया था, आई ज्वाइंट एज अ सेक्रेटरी देयर। देन आई रोज टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर ओवर देयर, सो इट वॉज अ गुड थिंग। आफ्टर दैट फिर लगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर मैंने यूटीआई बैंक, विच इज़ नाउ एक्सिस बैंक, आई ज्वाइंट दैट बैंक। ओके। तो फिर यूटीआई बैंक, जो कि उस कगार में था जब आपका वोडाफोन का नाम चेंज हो रहा था, और यूटीआई एक्सिस बना, उस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, और उस पार्टिसिपेट करने के दौर में मैं डेप्यूटी मैनेजर से आई बिकेम द यंगेस्ट ब्रांच हेड ऑफ द एक्सिस बैंक ऑल ओवर इंडिया। आई वॉज जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड, और उस समय मैं एक ब्रांच की, मुझे वसंत कुंज ब्रांच दिल्ली की ब्रांच हेड बनाया गया, एंड आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस समय शायद मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली में 3 या 4 या ऑल ओवर इंडिया लेडी ब्रांच हेड्स हुआ ही नहीं करती थी। सो इट वॉज अ बिग ब्रांच, वी आर हैविंग गुड क्लाइंट्स विद अस, सो आई बिकेम द ब्रांच हेड फॉर दैट ब्रांच। सो आई वर्कड ऑलमोस्ट 12-13 साल मैंने काम किया। तो यानी ये कहा जाए कि अभी तक जो आपने बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बढ़िया लेवल पे आप काम कर रही थी, तो सोशल वर्क ये कहाँ से आपके मन में आया, इसके साथ आप कैसे जुड़ी? देखिए 2013 तक मैं जॉब्स कर रही थी, और जॉब में मतलब कि एक ग्रोथ थी, आगे बढ़ते जा रहे थे। उस समय मुझे कुछ अपना, मतलब हमें एक बिजनेस सेटअप करने का मौका मिला, और उस बिजनेस के दौरान मुझे टाइम मिला जो मुझे टाइम कभी भी मिलता नहीं था। ड्यूरिंग माई, जब मुझे समाज, मैं देखती थी कि लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल वर्क्स में लगे हुए हैं, लेकिन हम 8 से 8 अपने जॉब में बिजी रहते हैं। यानी आप इस बात को मिस करती थी कि आप दूसरों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही थी अपने जॉब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो भी हमारी CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन करती थी, हम जुड़ते थे। हम सुबह से अपने किसी कैंप में हो सकते थे बस उतना ही जितना हमें देना है, लेकिन उसने भी हमें काफ़ी सिखाया। तो जब मुझे फुल फ्लेज्ड मौका मिला, तो मुझे लगा कि अगर मैं समाज से ले रही हूँ तो मुझे समाज को कुछ देना भी चाहिए,
इसलिए मुझे मैं अट्रैक्ट हुई सोशल वर्क की तरफ. कहाँ से शुरुआत की आपने अपने सोशल वर्क की? देखिए मेरे को आई वॉज लकी इनफ, मुझे अपने ही घर के पास एक ऑर्गेनाइजेशन भारत विकास परिषद मिली जी, और भारत विकास परिषद के साथ मैं जब जुड़ी मुझे लगा कि वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. समाज के लिए काम करने में उसमें एक बात और थी कि वो आप अपनी फैमिली के साथ भी, कई चीजें होती हैं कि आप समाज के लिए काम करने निकलते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं कर पा सकते जी. ये एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पार्टिसिपेशन आपकी फैमिली का भी है. जैसे क्या है कि अगर आप एक मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपनी मेंबरशिप के साथ अपनी स्पाउस की मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है. ओके. तो उसमें क्या है कि आपके हस्बैंड और फिर आपके बच्चे हर लेवल पे सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये मुझे अट्रैक्ट किया, मैंने इसको ज्वाइन किया. ठीक है. तो लेकिन आपने उसके बाद फिर सोशल वर्क में, जब आपने सोशल वर्क करना शुरू किया, लेकिन आप आगे कैसे आपका सफर बढ़ा और आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था इन सब में? देखिए जो इनका मेन मोटो था, मोटो वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. और उस मोटो में जब मुझे एक चुनौतियाँ मिल गई या जिसे बोलते हैं डेजिग्नेशन मिल गई, अब मैं कहीं जगह मैं स्टेट हेड बनी महिला एवं बाल विकास के लिए और अभी मैं रीजनल सेक्रेटरी हूँ महिला एवं बाल विकास के लिए जी. तो अब क्या है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिशन लिया है कि अनीमिया मुक्त भारत. तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मिशन लिया. बिल्कुल जी. जिसके लिए कि जो औरतों को सबसे ज़्यादा दुखी कर रहा है, और हम क्या बोलते हैं, कमी क्या है, सिर्फ हीमोग्लोबिन की. जब खून देने जाते हैं बोलते हैं हीमोग्लोबिन आया ठीक, नहीं आया, शायद ठीक नहीं आया तो खून नहीं दे सकते. लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है वुमेन के लिए. चैलेंज है ये जी अस्मिता जी. तो इस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन ने समझा और हम लोगों ने इसको सेवा बस्ती, आसपास के लोग, और खासकर अगर आप, हम इसको सेवा बस्ती क्यों बोले, अगर हम मॉडर्न आज हम लोग भी कहीं अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने जाएं तो कितनी महिलाओं का कम आता है, पर हम उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते. तो एक मिशन मिला मुझे, उस मिशन पे काम करने का मौका मिला, उसको आगे लेके गए. और दूसरी बात क्या है कि ये भारत विकास परिषद के माध्यम से हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, अब उन्होंने वुमेन हाइजीन पे काफी काम किया. बिल्कुल ठीक है. आज से पहले किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि मेंसुरेशन साइकिल पे आज तक गरीब महिलाएं कपड़ा यूज कर रही हैं जी जी. तो आज आपको जन औषधि केंद्र में ₹1 का एक सैनिटरी नैपकिन मिलता है. तो मैंने वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जहां हम लोगों का हीमोग्लोबिन का केयर कर रहे हैं, हम उस सैनिटरी नैपकिन को भी हमने गरीब महिलाओं तक पहुंचाया, और जो कि अफोर्डेबल है, हाइजीनिक है चीजों के. जब आप सोशल वर्क करती हैं, जैसे आपने किसी की जीवन की समस्या को दूर किया, एक हल निकाला किसी प्रॉब्लम का, एट द एंड ऑफ द डे आप कैसा फील करती हैं, क्या फीलिंग आती है उस समय? देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं और हम जी रहे हैं जी. अगर आप स्लैंग लैंग्वेज में बोले तो हर जो यहाँ पर जीवात्मा आई है वो किसी ना किसी तरह से अपनी दिनचर्या को पूरा कर रही है. लेकिन आज एक ह्यूमन बीइंग के नाते हमें मनुष्य जो जीवन मिला है, अगर हम किसी और के, देखिए आज मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पेट है, मुझे उसी का ख्याल रखना है, तो वो मन को खुशी नहीं देता. आज जब आप किसी और के लिए किसी भी रूप में, जैसे आपने किसी महिला को वृद्धा आश्रम में उसकी स्पाइन की प्रॉब्लम है, वो आप उसको नहीं, वो नहीं उसका इलाज करा पा रही, आपने कोई उसको हॉस्पिटल में चीज़ अरेंज करके दी, आपने किसी महिला के लिए अगर उसको अनेमिक होने जा रही थी आपने उसको रोक दिया और वो कुछ अच्छा कर पा रही है, तो जो खुशी मन को मिलती है और जो आप किसी की संवेदना से जो उनकी आंखों में आपके लिए एक प्यार दिखता है और जो खुशी आप इंटरनली महसूस करते हैं, वही सच्ची कमाई है. तो वो कमाई जब हम किसी की मदद करके आते हैं या कुछ सोशल काम करके आते हैं, वो अपने आप ही मिलती है. तो वही मैं रियली फील कर रही जी. तो फैमिली से, आपके जो आसपास के लोग हैं, कैसा सपोर्ट मिलता है आपको? मेरी फैमिली, एक तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे बहुत बड़े पिलर हैं किसी भी काम के लिए. अगर मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम है, वैसे मेरे फ्रेंड सर्कल अच्छा है, सब लोग मुझे इस चीज़ के लिए आगे वो करते हैं. सबसे पहले मेरे हस्बैंड, अगर मुझे किसी काम के लिए निकलना है तो कहीं ना कहीं मुझे कहीं घर की चीज़ें कभी कभी छोड़नी भी पड़ती हैं. तो जब वो छोड़नी पड़ती हैं तो हस्बैंड इज़ दी फर्स्ट सपोर्ट. बच्चे काफ़ी कोऑपरेट करते हैं और इस दौरान मैंने देखा कि बच्चे भी इस चीज़ों के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं, काफ़ी इन चीज़ों के लिए पूछते रहते हैं. उनका इंटरेस्ट भी आपको देख के डेवलप हो रहा है, वो भी सोशल वर्क की तरफ अपना थोड़ा सा टाइम अपनी लाइफ का देना चाहते हैं. बिल्कुल जी. बिल्कुल. तो आप अपनी फिर लाइफ को बैलेंस कर, ये बाहर की लाइफ सोशल वर्क करना और फिर पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना, ये कैसे करती हैं आप? आई वॉज ऑलवेज अ वर्किंग वूमन.
20 मतलब आप वैसे तो फीमेल्स आर बोर्न मैनेजर्स दे कैन मैनेज तो प्रोफेशनल पर्सनल वेरी इन अ वेरी बैलेंस्ड वे ये तो है बिल्कुल ठीक बोला अस्मिता जी आपने जैसे आप अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं पहुंच के हम जैसे फीमेल्स को कवर कर रहे हैं उसी तरह तो फीमेल की बॉडी मतलब वैसे ही अपने आप ही चौथे गियर में रहती है बशर्ते उनको कुछ मोटो मिले जिंदगी में कुछ रिकग्निशन मिले और कुछ करने का तरीका मिले लाइफ तो अब आगे फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी आप आगे ये सोशल वर्क जो आप कर रही हैं इसको और आगे कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं कहाँ तक आप जुड़ना चाहती हैं देखिए अब जो मेरी इसके बाद जो करने का मेरा मन है जो मेरी उड़ान होगी देखिए मैंने बहुत सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया अब जो मेरा मोटो है कि मैं कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन खुद सेटअप करूं और जहां पर मेरा काम है जहां मेरा अपना प्रोफेशनल रिजॉर्ट है वो भी गांव में है तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा समस्या है वो सिर्फ रोटी या किसी और चीज़ को देने के लिए नहीं है जो सबसे ज़्यादा समस्या इंडिया में है वो है मेडिकल फैसिलिटी तो अगर हम मेडिकल फैसिलिटी कहीं कहीं जगह मिलती नहीं है अगर हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेडिकल फैसिलिटीज ऐसे रिमोट लोकेशंस में भी पहुंचा पाए ऐसा कुछ सेटअप कर पाए ये मेरा नेक्स्ट एम रहेगा अगर मैं कर पाई तो और प्रभु ने मुझे इतनी हिम्मत दी और सब लोगों का साथ मिला तो मैं ज़रूर उस काम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेटअप ज़रूर करूँगी एक दिन तो जाहिर है ये बहुत बड़े लेवल का काम है इसमें बहुत सारे लोगों की सपोर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपके पास पूरी तैयारी है कैसे होगा ये सब देखिए मैंने तो एक चीज़ देखी है कि अगर आपने एक जने ने अपनी ज़िंदगी का कहीं कारवा शुरू कर दिया लाइन तो अपने आप लगती ही जाती है क्योंकि आपको ये क्या है कि अच्छे काम करने में सिर्फ एक हाथ बढ़ाने की देर है और बहुत सारे हाथ आ जाते हैं जो कि हमेशा एक नेक दिल काम करने वाले को मिलते रहते हैं तो लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं अगर आपका मिशन क्लियर है आपका मोटो क्लियर है और आप ईमानदार हैं अपने काम के प्रति तो कारवा अपने आप जुड़ता जाएगा आपको मंजिल मिलती जाएगी कहीं भी किसी चीज़ की इंडिया जैसे कंट्री में कमी नहीं है इंडिया बहुत सक्षम है यहाँ पर बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग अवेलेबल हैं बिल्कुल मेरा सवाल आपसे यह है कि अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आज के सिनेरियो में आपको कितना ज़रूरी लगता है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों अस्मिता जी शायद आपने मेरे मन का एक जो ये जो आपने सवाल अब पूछा है ये एक मेरे मन को काफ़ी हमेशा कई बार तंग करता रहता है कई बार बहुत तंग करता है कि देखो महिलाएं कई बार 50% से ऊपर महिलाएं देश को रिप्रेजेंट करती हैं और देश में हैं लेकिन फिर भी भागीदारी महिलाओं की मेरे हिसाब से 50% नहीं है दो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी रहे तो एक तो 50% अगर जनसंख्या है तो उस हिसाब से भागीदारी होनी चाहिए और 50% से भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि जो माँ एक बेटे को जन्म देती है तो उसका मेरे ख्याल से 50% नहीं उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए होना चाहिए चलिए अगर हम 50% माने तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है और दूसरी बात अभी भी कहीं सेक्टर्स में अभी देखिए चुनाव का माहौल आप देख रहे हैं कितना गर्म है हर जगह चुनाव हो रहे हैं अब दिल्ली भी अपना एमसीडी चुनावों को फेस करने जा रही है मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रैल में हो जाएंगे चुनाव और इस चुनावों में और मैं ये देखती हूँ कि किसी भी उसमें लोग सोचते हैं कि पढ़ाई की इतनी भूमिका नहीं है कई चीज़ों को पढ़े लिखे लोगों के अलावा भी लोग मैनेज कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का व्यक्ति जो खुद पढ़ा लिखा है समझदार है इस चीज़ में ज्वाइन करेगा इस चीज़ को आगे लेके जाएगा तो समाज ज़्यादा सशक्त हो जाएगा और कई चीज़ों को जो करने का रास्ता चाहे वो आपका विधायक के चुनाव के लिए हो चाहे लोकसभा के चुनाव के लिए अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति उस लंबे सफर को छोटे उसमें तय कर सकता है तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को या मतलब सरकार को उनको बढ़ावा देना चाहिए अपने यहाँ लेके उनको मौका देके जी अश्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए बहुत कुछ आपने शेयर किया अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में आपने बताया कि आप आगे क्या करना चाहती हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू अस्मिता जी मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सब मातृशक्ति बहनों को 8 मार्च को जो वुमेंस डे सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं औरतों के लिए बोलना चाहती हूँ कि केवल 8 मार्च नहीं जिंदगी का हर एक दिन एक घर में औरत के बिना अधूरा है चाहे वो माँ के रूप में चाहे बहन के रूप में चाहे पत्नी के रूप में औरत हर जगह
सारे समाज को समेटती है। तो मेरी औरतों से यही विनती है कि कहीं भी अपने को कमज़ोर ना पाएं। आज तो औरत सब लोगों को लेके साथ चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो औरतों को यही चीज़ आगे लेके जाना है अपने हिसाब से, और महिला लोगों को मातृशक्ति को ऐसा ट्रेन करना है कि जो सक्षम है, जिनके पास वह नहीं है, वंचित हैं, उनको आगे लेने की बीड़ा उठाएं। यही मेरा मातृशक्ति से, यही मेरा ऑल वुमेन से वुमेन्स डे के लिए एक संकल्प बोलें या एक कर्तव्य बोलें, यही मैं बोलना चाहूँगी। मैं इस मंच के माध्यम से ग्लोबल मिडास फाउंडेशन के श्री इंदरप्रीत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज उन्होंने इस फाउंडेशन के माध्यम से जो वुमेन अचीवर हैं, जो माँ बहनें जिंदगी में समाज को ऊपर लेके जा रही हैं, उनके बारे में सोचा, उनको कवर करने के बारे में सोचा और उनको अपने इस चैनल के माध्यम से समाज में एक जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में बताने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच इंदरप्रीत सिंह जी, आप जो ये काम कर रहे हैं, मेरी प्रभु से, मेरी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप नित नए दिन ऐसी वुमेन को, ऐसी औरतों को कवर करते रहें ताकि जो औरत घर को उजाला दे रही है वो उजाला जिंदगी भर आगे बढ़ता रहे। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन।